30 में मिल जा रहे हैं फाइट में भाई, भाई फाइट में 30। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द इंडोनो गेमर्स चैनल। तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई बेंचमार्क वीडियो पे। तो आज हम बेंचमार्क करने जा रहे हैं गाइस। वैसे मैं काफ़ी टाइम से इसका इंतजार कर रहा था डाउनलोड करने के लिए। क्या गेम तो काफ़ी टाइम पहले ही आ चुका था, बट डाउनलोड मैंने अभी फिलहाल ही किया है। तो मार्वल्स एवेंजर्स गेम का बेंचमार्क फाइनली अपने पीसी पर। तो गाइस जैसे कि आपको पता है मेरे सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी है i5 2400 एंड GTX 1050 Ti ग्राफिक कार्ड, 4GB और 12GB रैम। तो ये ओवरऑल मेरी सिस्टम स्पेसिफिकेशन है। तो इसी स्पेसिफिकेशन पे हम चलाएंगे मार्वल्स एवेंजर गेम। तो फिलहाल मैंने गेम को ऑन कर लिया है और मैं सेटिंग्स आपको दिखा देता हूँ। MSI Afterburner भी ऑन कर रखा है। तो फिलहाल हमारी सेटिंग्स हैं क्या इसमें, तो सेटिंग में जाते हैं और डिस्प्ले में जा कर के पहले डिस्प्ले रेजोल्यूशन हमारा रहेगा 1920x1080p। ग्राफिक कार्ड NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, 75Hz रीसेट क्योंकि मेरा मॉनिटर वही है। VSync को अभी हमने ऑफ कर रखा है क्योंकि यार VSync ऑन करेंगे तो वैसे ही कम फ्रेम रेट मिल रहे हैं, तो VSync ऑन करने पर आई थिंक थोड़ी सी और कम हो जाएंगे। और गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं वीडियो रिकॉर्ड और गेम दोनों एक ही PC पे कर रहा हूँ। तो अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड ना करूँ केवल गेम प्ले करूँ तो 4 से 5 फ्रेम रेट मेरे इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो 4 से 5 फ्रेम रेट मेरे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं कम। तो एंटी एलियाजिंग हमने SMAA पे रखा है हमने, और हमारा AMD ये फील्ड फिक्स है इसको ऑन रखा है। हमने डायनेमिक रेजोल्यूशन को ऑफ रखा है क्योंकि डायनेमिक रेजोल्यूशन इसमें दो तरह के दे रखे हैं, 30 का 1 60 का, 2 30 फ्रेम और 60 फ्रेम के हिसाब से। तो 60 फ्रेम के हिसाब से काफ़ी ब्लरी सा हमारा गेम हो जाता है यार। वो अच्छा आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप ब्लरी टाइप का कुछ गेम खेलो। अब ग्राफिक सेटिंग हम देख लेते हैं। ओवरऑल हमारी सेटिंग लोएस्ट पे सेट है। अभी हम इसको कर देते हैं मीडियम पर सेट करेंगे, ठीक है। मीडियम से हम थोड़ा सा पहले मीडियम पे देख लेते हैं मीडियम पे कितनी हमें मिल जाती है, मतलब ओवरऑल FPS कितने मिल जाते हैं। तो फिर अभी हम मीडियम पे हैं और ये वाली जगह काफ़ी सही है बेंचमार्क करने के लिए क्योंकि इसमें बहुत सारे NPCs हैं यार, बहुत सारे NPCs हैं इस जगह। ये जगह काफ़ी सही क्योंकि इधर बहुत सारे NPCs हैं यार। तो इन NPCs के बीच में जा कर के हमें अभी बेंचमार्क करना है। तो फिलहाल अभी हमारे यहाँ 99 पे हमारा GPU और 74 पे हमारा 78 करीबन CPU हो रहा है। फ्रेम रेट में मिल रहे हैं 28 और 30। तो अच्छा मुझे कॉमिक लेनी पड़ेगी। मैंने कल ये कंप्लीट किया था यार, मैंने गेम चलाया था तो मैंने ये किया था। तो फिलहाल हम थोड़ा सा गेम प्ले कर लेते हैं और इससे आइडिया भी हो जाएगा कि किस जगह कितना एक्शन मिलता है तो कहाँ हमारे कितने फ्रेम रेट हो जाते हैं। अरे मुझसे नहीं जीत पाओगे भाई, रुको। बहुत गर्मी हो रही है रूम में। 39 यहाँ पर थोड़े से फ्रेम रेट ज़्यादा मिल जाते हैं। एक का लौड़ है क्या? अभी हम किसी भी सुपर हीरो से नहीं खेल रहे हैं, मुझे फिलहाल कॉमिक्स बुक्स कलेक्ट करनी है। और ये जगह भी ठीक है यार। एंड 30 तक अभी हमें फ्रेम रेट मिल रहे हैं 30 तक। अभी यहाँ पे 25 हो गए हैं। अरे रे रे मिस हो गया। ट्वेंटी एट तक फ्रेम रेट हमारे गए हैं। ओके। अरे रुक जा, मुझे ना यहाँ पर कॉमिक्स लेनी पड़ेगी। आयरन मैन की रिपल्सर ग्लव्स। अरे बहुत सही यार। वैसे मैंने इतना नहीं खेला था यार ये। थोर क्या गजब लग रहा है यार थोर।
अच्छा अभी ना अभी हाई मीडियम पे चल रहा है, तो सेटिंग को थोड़ा सा कम करते हैं और फ्रेम रेट्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम ग्राफिक सेटिंग में जाएंगे, इसको मीडियम से हटा करके लो पे सेट कर लेते हैं, देखते हैं कि फ्रेम रेट में इंक्रीजमेंट होता है कि नहीं। की अभी हमें 30 करीबन मिल जा रहे थे, आई थिंक मीडियम और लो सेटिंग पे सेम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जितना मीडियम पे मिल रहा था उतना हमें लो पर भी मिल रहा है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि ज़्यादा ही ज़्यादा मिल रहा हो। मुझे उठाना है। अरे वाह भाई, थॉर का है थोड़ा डारी चोरी। अरे रे रे रे। अच्छा अब आपको एक चीज दिखाता हूँ गाइस, अभी हमारा जो गेम चल रहा है 100 स्क्रीन रेजोल्यूशन पे चल रहा है, अगर हम इसको 30 पे सेट कर देते हैं 30 डायनेमिक रेजोल्यूशन पे, तो हमारा गेम कैसा हो जाएगा और कितने फ्रेम रेट हमें मिलेंगे ये दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि हाँ कितने मिल जाएंगे अगर आप इतने पर रख लेते हो और कैसा गेम दिखेगा आपका, ठीक है। अभी हमें मिल रहे हैं 30 और अभी भी 30 है क्योंकि 30 पे सेट कर रखा है। अब हम इसको ना 60 पे ले आते हैं, अब ना इसको हम 60 पे सेट करते हैं। ये किधर गया हमारा डायनेमिक स्केल, यानी कि 60 फ्रेम रेट के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली रेजोल्यूशन को स्केल कर देगा, ये इसका मतलब ये है। अरे नहीं बैक नहीं करना भाई। अच्छा अब हमें मिलने हैं 33। अब गेम देखना हमारा थोड़ा सा ब्लरी हो गया है, जैसे कि इसका फेस जो है आपको एकदम क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा ब्लरी दिखाई पड़ेगा, और काफ़ी सारे देखो वो डायनामिक्स जैसे कि ये दिख रहे हैं ये सामने, तो ये कैसे लाइन एकदम टूट सी रही है, अजीब सा लग रहा है देखने पे, मज़ा नहीं आ रहा है। अगर यहीं पर ही मैं 60 को हटा करके इसको ऑफ कर देता हूँ मैं, वैसे हमारा 60 पर रखेंगे तो थोड़े से फ्रेम रेट आपको मिल जाएंगे पर गेम उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और एस्केप। तो अब देखिए वहाँ पर अब कितना सही सा दिख रहा है, साफ सा दिख रहा है, और जब मैंने 60 किया था तब यार बहुत ख़राब सा दिख रहा था वहाँ पर, आज मज़ा नहीं आ रहा दिखने पे, अभी ठीक दिख रहा है बट हमारे थोड़ी सी फ्रेम रेट गिर गए हैं। तो अगर आप इसको ग्राफिक में जाने के बाद इसे आप करते हो हाई पे, अभी हम लोएस्ट पे जा रहे हैं, लोएस्ट पे आपको 30 मिल जा रहे हैं, लो पे आपको 30 मिल जा रहे हैं। इफ़ यू गोज हाई तो क्या होता है कि अगर हम हाई पे जाते हैं क्या सिस्टम में ठीक है, तो हाई पर अभी क्वालिटी हमारी ये आ रही है बट फ्रेम रेट हमारे 27, बट इट इज़ स्लाइटली प्लेबल। मैं कहूँगा कि यार इतना भी अच्छा नहीं है कि खेल ही सकते हो, बट ये है कि 29 थोड़ा सा चल जाएगा, बट कहीं कहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगा ना भाई, कहीं कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इसके फ्रेम रेट गिर जाएंगे। एंड मेरे को किधर जाना है, सी किधर है मेरा सी। अब जैसे कि हम NPCs पे चलते हैं, जहाँ पर NPCs से बहुत सारे, देखो अभी 20 तक पहुँच गया था, 20 तक भाई 20 फ्रेम रेट तक पहुँच गया था। GPU तो 99 से नीचे उतर ही नहीं रहा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 98 पे पहुँच जा रहा है, उससे नीचे तो उतर ही नहीं रहा, एकदम 100% उसकी अटेंस चल रही है क्योंकि हमने हाइक कर दिया यार। अच्छा गाइस देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी, जैसे कि अभी अरे चुप हो जा, ऐसे कि अंदर रूम है अभी, वहाँ पर जो है काफ़ी सारी शेडोज़ हैं, शेडो क्रिएट हुई है और थोड़ा सा स्मूथनेस दिख रही है, साफ दिख रहा है। अगर मैं इसको लो सेटिंग पर कर देता हूँ तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि लो सेटिंग पर आपको क्या खो देंगे, अगर आप लो सेटिंग करते हो तो क्या आप लूज़ करेंगे अपने गेम पर। अब अंदर देखना, देखो पहली बात वहाँ पर शेडो चली गई है, जो भी जितनी भी शेडो थी वो चली गई है, लाइटनिंग पता नहीं कहाँ से अब लाइटनिंग इसमें आ रही है और कितना भद्दा सा दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, बट क्या करें, GTX 1050 i5 2400 में आप लोअर सेटिंग पर ही इसे एंजॉय कर सकते हो। आप लोएस्ट पर भी जा सकते हो बट लो सेटिंग जितनी लो सेटिंग तक तो आप खेल सकते हो। अगर आप हाई पे जाओगे तो भाई फ्रेम रेट से आपको बहुत 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 ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यार। तो अभी एक काम करेंगे, थोड़ा सा ग्राफिक्स को कस्टम, ग्राफिक सेटिंग को कस्टम सेटअप करेंगे। ओहो कैप्टन मार्वल, कैप्टन अमेरिका, रुक जा।
was Captain America. अरे भाई पागल होली मारी छोरी तो. अच्छा ठीक है, अब एक काम करते हैं, रुक जा, एक लास्ट सेटिंग और अप्लाई करते हैं. इफ आई गोज विद हाई, ठीक है, और हाई करने के बाद अब इसको हम कस्टम सेटअप करेंगे. जैसे कि हम मोशन ब्लर को तो हम ऑफ कर रखेंगे, ठीक है, चाहिए रिफ्लेक्शन, भाई रिफ्लेक्शन को ऑन रखने दो, और ब्लूम को ऑन रखने दो, वॉल्यूमेट्रिक एम्बिशन एक्यूलेशन इसको भी हम, इसको हम थोड़ा सा लो पे रखेंगे, और एम्बिशन एक्यूलेशन SSO इसको ऑफ रख देते हैं यार, और लेवल लेवल ऑफ डिटेल इसको रहने देते हैं हाई, शेडो क्वालिटी को यार लो कर देते हैं, शेडो बहुत ज़्यादा रैम चूसती है, और स्पिन्स इसको हम ऑफ ही रख देंगे. टेसलेशन, टेसलेशन क्या होता है, टेसलेशन एड्स मोर डिटेल सिलेक्टेड सरफेस एंड सब डिवाइडिंग ज्योमेट्री, सरफेस वगैरह में जो लेवल कर देता है अच्छा सा खासा, तो इसको हम ऑन, इसको हम ऑफ कर देते हैं अभी, इसकी हमें कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है. FX VFX को क्वालिटी, VFX क्वालिटी इसको मीडियम रख लेते हैं, और इसको मीडियम नहीं, VFX क्वालिटी को हाई रखते हैं. डेप्थ ऑफ फील्ड को हाई रख रहे हैं, तो इसको टेक्सचर फिल्टर को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, इसको हम 300 कर देते हैं, 2x पे थोड़ा सा ज़्यादा रैम लेगा, पर 300 पे VRAM कम लेगा. टेक्सचर क्वालिटी हाई रहने दो, लेंस फेयर को ऑन रहने दो, स्क्रीन रिफ्लेक्शन को ऑन रहने दो, इसको इनहेंस वाटर सिमुलेशन और इनहेंस डिस्ट्रक्शंस, इंटेल यूज़ करेगा CPU तो देख, वेरी हाई नहीं हाई कर रहा है, इसको थोड़ा सा हाई पे सेट कर देते हैं, ठीक है. ओके ये हमारी सेटिंग हो गई, अब देखते हैं कि कितना मिल जाता है. तो 28, 27, 28, 30 तक मिल जा रहा है अभी हाई सेटिंग पे. कस्टम सेटिंग मतलब हाई पे हमने कस्टम कर रखी है, और कस्टम करने के बाद अंदर का क्या हाल होता है, अंदर देखो कितना सही दिख रहा है भाई. तो अभी ठीक है 25 हमारा पहुंच गया था, अभी हमें क्या करना है, हमें किधर जाना है, 30. मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा कि अब कितना आप क्या क्या इसको सेटिंग करो तो आपको कितनी मिल जाएगी फ्रेम रेट. ले भाई अपनी कॉमिक्स ले ले, चल ठीक है निकल लेते हैं. अरे हो गया. आई थिंक गाइस बस मेरे ख्याल से एवेंजर्स का बेंचमार्क आई थिंक हो गया यहाँ पर ही, या फिर आपको फाइट में जाकर दिखाएं, एक बार फाइट में जाके और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या होता है अगर फाइट हम लेते हैं. फटाफट से मैं पहुंचता हूँ, स्किप करता हूँ इस एरिए को. ओके तो गेम में आ गए. तो 28, 30. थर्टी में मिल जा रहे हैं फाइट में, भाई फाइट में 30. ओ भाई, अरे ये क्या बीच में आया था, 30 तक मिल जा रहे हैं. सेटिंग हमारी कस्टम है, मतलब कुछ सेटिंग हाई पर, कुछ सेटिंग हमारी लो पर है, बट ऑलमोस्ट सेटिंग हमारी ज्यादातर हमने हाई पर कर रखी है. अरे ये क्यों बारह बीच में आता है, ओ भाई खैर FPS गेम नहीं है तो. ऐसा ना FPS गेम नहीं है तो 30 में आराम से चल जाएगा हमारा. Hang on, those guns are shield issue. I'll get Commander Hill on the line. Cap, they picked today for a reason. Please. I'm staying with the Chimera until we figure out what's going on. मजे आ रहे हैं भाई, मजे. भाई गेम बेंच में थोड़ा बड़ा हो गया है, कोई नहीं, बट आपको एक क्लियर एक वे मिल जाएगा कि अगर आप खेलते हो तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है. तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपको पूरी चीज़ें दिखाऊं. अरे भाई Whoa,
thunder god? Who said you could have all the fun? Press 1 to worry feudy. Oh, bhai! Gotta admit it, that was pretty impressive. ये तो वो हो गया, इधर रेंज वाला ब्लेड वाला बटन हो गया। ये क्या बीच में आया था बार बार बार। अभी और आ रहे हैं, अभी और आ रहे हैं। ओ भाई 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 भाई, तेरी मैया की सही है मारे। ओ भाई भाई, अब ये कौन आ गया? अरे उड़ने वाले कीड़े आ गए भाई। Hey, get back here. ओ भाई 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 भाई। Just got confirmation. अच्छा जी, अब convoy was hijacked this morning. इतना सब कुछ एक्शन होने के बाद भी 30 तक हमारे फ्रेमरेट लिमिट है, मतलब चिपके हैं भाई। मुझे इतना एक्सपेक्टेस नहीं थी कि जाएगा इसमें से। All star rockets. Glad Fury kept all my best tech in one place. Those rockets are doing a lot of damage. I know. I built the damn thing. आजा भाई, आजा 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 आजा। अरे ये क्यों बारा पीछे है? प्रेस टू। ओ भाई भाई, the convoy is carrying classified shield prototypes. Fury is tracking down the full manifest. ओ भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मैं नीचे कैसे उतरूं, मैं नीचे कैसे उतरूं? नीचे कैसे उतरा जाएगा? अच्छा जा, मारते हैं। अरे वो नीचे गिर पड़ा भाई, मार उसे टोनी, उसे मार नीचे वाले को, नीचे मार, नीचे मार। हाँ अरे भाई, आप आपको 30 तक गैस फ्रेम रेट मिल जा रहे हैं, कुल मिला के ये कि 30 तक आपको मिल जा रहे हैं। मैं उड़ नहीं सकता, मैं उड़ नहीं सकता। अच्छा ये हो भाई, क्या चाहिए? शील्ड है क्या? We'll keep you updated and Goose is fine. Didn't know you were listening to that part. You think these idiots are running away by now? Can't shake the feeling we're playing catch up. Oh no! Okay. What's going on? Everything's just peachy. I'm not that arrogant, man. I don't have time to deal with this outfit. Shield trucks return. Tony, they take it back. Fine, they've got pulse. इतना भी बुरा नहीं चल रहा भाई गेम. मैंने actually मैंने गेम को डाउनलोड कर एक्चुअली गाइज मैंने गेम को डाउनलोड करने से पहले मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी GTX 1050 Ti i5 2400 की। तो उसमें एक बंदे ने चला था, बहुत ही ज़्यादा गंदा चल रहा था उसका यार, बहुत ही ज़्यादा गंदा। आई थिंक 25 या 22 फ्रेम रेट आ रहे होंगे, बट हमारे तो ऑलमोस्ट हाई सेटिंग पर यार, कुल में 31 फ्रेम रेट आ रहे हैं यार, बहुत सही यार। साउंड कहाँ चली गई इसका? अरे नताशा तेरी साउंड कहाँ चली गई? आई थिंक गाइज आपको आइडिया हो गया होगा कि कितना आपको चल जाएगा ये एवेंजर्स, मार्वल एवेंजर्स गेम आपके सिस्टम पर अगर मेरे ऐसा हो तो कितने आपको फ्रेम रेट मिल जाएंगे। तो हाई सेटिंग पर अप्रॉक्स 30 आप खेल सकते हो, रिकॉर्ड भी कर सकते हो। अगर आप 30 पे रिकॉर्ड करना चाहते हो अपने गेम को, तो अगर रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपको 30 से थोड़ा ज़्यादा मिल जाएंगे फ्रेम रेट अगर आप ये सेटिंग अप्लाई करोगे। तो गाइज़ बस जो मेरे को जो बताना था आपको, आई थिंक मैंने बता दिया आपको, जो भी आपको अच्छा लगा हो। तो गाइज बस यही था आज की वीडियो में बेंचमार्क विद द मार्वल एवेंजर्स गेम का बेंचमार्क। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अगर बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और नए हो तो भाई जाना नहीं कहीं नहीं भाई, पहले सब्सक्राइब करो तभी जाने दूंगा यार मैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय,
टाटा।